आपके अपने YouTube चैनल जिसका, और कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है पॉजिटिव वाइब्स। फ्रेंड, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए किडनी से जुड़े सभी तथ्यों और सही प्रामाणिक जानकारी लाता रहता हूं, जो आपकी लाइफ को अच्छा कर सके और आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड में जीने की एक नई राह दे सके। क्योंकि आप जितना ज़्यादा अपनी बीमारी से रूबरू होंगे, आप उतना ही उसको अच्छे से डील कर पाएंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को फ्रेंड सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी विजिटर चैनल्स पे आ रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि ये वीडियो हर उस आदमी तक जरूर पहुँचे जिसको इसकी ज़रूरत है। तो चलिए फ्रेंड, आज की हमारी वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब किडनी फेल हो जाती है तो डॉक्टर आपको दो ऑप्शंस बताते हैं। एक तो आपको डायलिसिस बोला जाता है और दूसरा आपको ट्रांसप्लांट बोला जाता है। लेकिन ट्रांसप्लांट कराने से पहले आपको डायलिसिस पे जाना पड़ता है, और ट्रांसप्लांट कराने के लिए आपका घर में ही कोई आपका सगा संबंधी, आपके माता पिता या आपके भाई बहन में से ही कोई आपको किडनी डोनेट कर सकता है। तो फ्रेंड, किडनी डोनेट करने के लिए भी आपका ब्लड ग्रुप और उसका ब्लड ग्रुप मैच होना बहुत ज़रूरी होता है, और आपका HLA यानी कि किडनी का टिशू जो लिया जाता है उसका भी मैचिंग होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी किडनी की लाइफ का पता चलता है कि वो किडनी कितने दिन तक चलेगी। वैसे तो फ्रेंड, इंडिया के अंदर अभी जो कि अदर ब्लड ग्रुप वाला ट्रांसप्लांट है वो भी होता है, लेकिन फ्रेंड उसके आंकड़े जो हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। इसमें जो किडनी की लाइफ होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल, 2.5 साल या 3 साल तक ही होती है। उसके बाद कोई ना कोई इन्फेक्शन किडनी को लग जाता है, या जो आपकी बॉडी होती है वो अदर ब्लड ग्रुप वाली किडनी को रिजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से किडनी फेलियर दोबारा से हो जाता है। अब फ्रेंड, बात यह आती है कि जैसे आपके परिवार में किसी का ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा है और आप जो है वो अदर ब्लड ग्रुप वाला ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहते हैं, या आपकी फैमिली में आपको आपको कोई किडनी देने वाला नहीं है, या आपको कोई किडनी देना नहीं चाहता है, लेकिन आप अपनी लाइफ चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका ट्रांसप्लांट हो जाए, आपको एक किडनी लग जाए, तो उसमें आपका एक कैडेवर ट्रांसप्लांट जो होता है वो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। अब बात करते हैं कि कैडेवर ट्रांसप्लांट होता क्या है। तो फ्रेंड, कैडेवर ट्रांसप्लांट में कोई जो भी ब्रांडेड व्यक्ति होता है उसकी किडनी जो भी वो डोनेट करते हैं, उसकी फैमिली वाले बोल देते हैं कि हाँ हम इनकी किडनी या इनके ऑर्गन्स डोनेट कर रहे हैं, तो उनकी किडनी निकाल के आपको ट्रांसप्लांट कर दी जाती है। लेकिन इसमें बहुत सारी जो शर्तें होती हैं उसका पालन करना ज़रूरी होता है। तो चलिए आज हम जानेंगे कि कैडेवर ट्रांसप्लांट कैसे होता है और इसमें क्या क्या शर्तें होती हैं और आप इन शर्तों को पूरा करके कैसे कैडेवर ट्रांसप्लांट अपना करवा सकते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो कैडेवर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए आप जिस भी अस्पताल में अपने डॉक्टर को दिखाते हैं, कंसल्ट कराते हैं, उसको आपको बताना पड़ेगा कि आपके घर में कोई किडनी देने वाला नहीं है और प्लीज़ आप जो मेरा नाम है वो कैडेवर के लिए सजेस्ट कर दें। तो आपका डॉक्टर है वो सारी आपसे बातें पूछेगा कि आपके माता पिता में से किडनी कोई क्यों नहीं देना चाहता, आपके भाई बहन में से किडनी कोई क्यों नहीं देना चाहता। आपको सारे जो सही तथ्य हैं वो डॉक्टर के सामने रखने होते हैं। फिर डॉक्टर आपको जो भी कैडेवर ट्रांसप्लांट करने से पहले आपके टेस्ट होते हैं या जो आपका वर्कअप होता है वो आपको लिख देता है। वो आपको सारे टेस्ट की एक लिस्ट बना करके दे देगा, उसमें सारे टेस्ट आ जाएंगे आपके, आपका आपका ब्रेन का टेस्ट, आपका आई टेस्ट, आपके ब्लड रिपोर्ट्स, आपका सीटी स्कैन, सारे आपके तीत का टेस्ट, सारे टेस्ट टोटल वो आपके लिख करके बता देगा और आपको समझा देगा कि ऐसे ऐसे करके आपको सारे टेस्ट करवा लेने हैं। जब आप सारे टेस्ट करवा लोगे तो वहाँ पे एक ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर होता है, तो आपको वो सारे टेस्ट आपके ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर को दिखा देने हैं। जब वो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर आपके टेस्ट देख लेगा तो फिर वो बोलेगा, जो आपका ट्रांसप्लांट वाला डॉक्टर होता है उसके पास भेजेगा। वो सारे टेस्ट आपको ट्रांसप्लांट वाले जो डॉक्टर होता है उसको दिखाना होता है। वो देखता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसमें कोई कमियां तो नहीं है। अगर कोई कमी आती है तो आपको उसको पास करना होता है। फिर आपको वो टेस्ट दोबारा से करवाने होते हैं। फिर वो जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जब उसका बिल्कुल ही वो रिपोर्ट सही आ जाती है तो वो ओके लिख देता है कि ये जो भी पेशेंट है ये कैडेवर के लिए ठीक है। तो वो रिपोर्ट्स आपको ले जा करके फिर दोबारा से आपको ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर को दिखानी होती है। फिर ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर आपका रजिस्ट्रेंट
आपका रजिस्ट्रेशन कर देता है कैडेवर के लिस्ट में। अब बात ये होती है कि कैडेवर में पहले से ही बहुत सारे बंदे होते हैं, उसमें आपका भी एक नाम जोड़ दिया जाता है और आपको आपका नंबर बता दिया जाता है कि आपका इतना नंबर है। उसके बाद फ्रेंड आपको हर 3 महीने में सारे टेस्ट दोबारा से करवाने होते हैं, आपको सारे सारे मतलब जो इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं वो करवाने होते हैं, और वो करवा करके आपको बार बार पहले आपको दिखाना पड़ेगा जो ट्रांसप्लांट वाला डॉक्टर है उसको दिखाना पड़ेगा, फिर आपको हर 3 महीने में जो ज़रूरी इम्पोर्टेंट टेस्ट रहेंगे आपके कैडेवर के ट्रांसप्लांट के लिए वो सारे टेस्ट हर 3 महीने में करवा करके और आपको ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर के पास जाना पड़ेगा। ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर फिर आपको जो आपका ट्रांसप्लांट वाला डॉक्टर होगा, जो सर्जन होगा, उसके पास आपको वो भेजेगा, वो सारा रिपोर्ट आपका वेरीफाई करेगा और उसके बाद उसको ओके कर देगा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर के पास जाएंगे, फिर ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर वो रिपोर्ट देख करके आपका वहाँ पे सारा मेंशन कर देगा। ऐसे करके फ्रेंड आपको हर 3 महीने में वहाँ बराबर जाना पड़ेगा और आपको जो आपके इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं वो करवा करके सारे टेस्ट वेरीफाई करवा करके और आपको चढ़वाने पड़ेंगे जहाँ भी आपका ट्रांसप्लांट जो भी आपका कैडेवर ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर है वो सारे टेस्ट आपके चढ़ाता रहेगा हर 3 महीने में। अब बात कर लेते हैं कि आपको किडनी कैसे मिलेगी। मान लो वहाँ पर कोई ब्रांडेड आता है या उसकी कोई किडनी आती है या उसके ऑर्गन ऑर्गन उसी हॉस्पिटल में निकाले जा रहे हैं और वहीं से आपका वहीं पे आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, तो फ्रेंड होता यह है कि डॉक्टर्स पहले देखते हैं कि पहले किसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो उसी में से वो 10 बंदों को फ़ोन करते हैं। अब उस 10 में आपका भी नाम हो सकता है या आपका नाम नहीं भी हो सकता है, या उससे पहले जिन्होंने नाम लिखवाया है उनका नाम हो सकता है। फ्रेंड ये डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं, ये जो नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं और जो ये सर्जन होते हैं और जो ये ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर होते हैं यही डिसाइड करते हैं कि किसको बुलाया जाए। और पहले तो ये देखा जाता है कि जो आपकी रिपोर्ट्स हैं वो जो डोनर है जो भी कैडेवर वाला जो डोनर है उससे रिपोर्ट्स आपकी मैच कर रही हैं, आपका ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है, आपका क्या क्या मैच कर रहा है उससे, उसके बाद ही वो लोग आपको फ़ोन करके बुलाते हैं। 10 पेशेंट को बुलाया जाता है, फिर 10 पेशेंट में से फिर सबके टेस्ट होते हैं और फिर मैच किया जाता है कि किसके साथ ये किडनी मैच कर रही है। HLA होता है आपका और भी ज़रूरी टेस्ट होते हैं, वो सारे सारे रिपोर्ट देखी जाती हैं और 48 या 64 घंटे के भीतर वो ट्रांसप्लांट करना होता है। तो फिर वो एक बंदे को चूज़ करते हैं कि इसका सबसे अच्छा मैच हो रहा है और इसको अगर ये किडनी लगती है तो बेहतर रहेगा और जो किडनी की लाइफ होगी वो भी अच्छी रहेगी। तो फिर वो जो किडनी है वो 10 में से एक बंदे को दे दी जाती है। ऐसे करके कैडेवर ट्रांसप्लांट फ्रेंड होता है और इसमें वेटिंग बहुत होती है, बहुत से बंदे होते हैं। और जब किडनी कोई आती है, मान लो 2 किडनी आई हैं तो 20 बंदों को बुलाया जाता है, 20 पेशेंट को बुलाया जाता है जो कैडेवर के रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। अगर 1 किडनी आई है तो 10 पेशेंट को बुलाया जाता है। तो फ्रेंड ये ऐसे होता है कैडेवर ट्रांसप्लांट। अब कैडेवर ट्रांसप्लांट में भी पैसे लगते हैं, तो फ्रेंड सरकारी अस्पताल में अगर आप कैडेवर करवा रहे हैं तो आपको कोई खर्चा नहीं लगता है, आपको सिर्फ एक इंजेक्शन की कॉस्ट देनी होती है जो आपको ट्रांसप्लांट के टाइम लगता है। वो इंजेक्शन 1.5 लाख से 2 लाख के अंदर आता है और वो इंजेक्शन ज़रूरी होता है लगना। अब वो इंजेक्शन लगेगा तभी आपकी जो किडनी है ट्रांसप्लांट वाली कैडेवर वाली वो लंबे समय तक चलेगी और उसको कोई इन्फेक्शन जल्दी नहीं लगेगा। अगर प्राइवेट अस्पताल में आपने आपका रजिस्ट्रेशन कराया है तो वहाँ पे जितने भी चार्जेस होते हैं अस्पताल के, ICU के, बेड के, आपके दवाइयों के, आपके जो भी खर्चे होते हैं वो टोटल सारा जैसे नॉर्मल ट्रांसप्लांट होता है वैसे ही वो लोग चार्ज करते हैं। लेकिन सरकारी में सिर्फ दवाइयों का खर्चा लगता है और इंजेक्शन का खर्चा लगता है, बाकी आपका ट्रांसप्लांट बिल्कुल मुफ्त में होता है। उसका सारा पैसा जो प्रधानमंत्री राहत कोष फंड होता है वहाँ से गवर्नमेंट पे करती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को। तो फ्रेंड आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि कैडेवर ट्रांसप्लांट कैसे होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर मुझसे कुछ छूट गया हो कि मैंने ये नहीं बताया इसमें ऐसे भी होता है तो आप मुझे उसके बारे में भी बताइएगा। तो फ्रेंड वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं अभी। धन्यवाद फ्रेंड।